उम्मत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। जम्मिलूनी मुझे कंबल दे दो, मुझे सर्दी लग रही है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कंबल दिया और फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, रब्बुल आलमीन आपको ज़ाया नहीं करेगा, आप तो इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, व तखमिलुल कल, आप तो बोझ उठाने वाले हैं गरीबों का। आगे फरमाया, तकसिबुल मादूब, आप तो कमा कर लोगों को खिलाने वाले हैं। आगे फरमाया, व तकरिज़ ज़ईफ, आप तो मेहमान नवाजी करने वाले हैं। व तुईनु अला नवाबिल हक़, आप तो लोगों की ज़रूरियात पूरी करने वाले हैं, आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो बोझ उठाने वाले हैं गरीबों का, आप तो लोगों को कमा कर खिलाने वाले हैं, आप तो मेहमान नवाजी करने वाले हैं, और आप तो लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने वाले हैं। रब्बुल आलमीन कभी आपको ज़ाया नहीं करेगा। आपकी तो इतनी शान है, कोई मेहमान आपके दरवाज़े पर आ जाए, आप दस्तरखान लगाए बग़ैर उसको खाना खाने के बग़ैर जाने नहीं देते। कोई ज़रूरतमंद आपके दरवाज़े पर आ जाए, आप उसकी ज़रूरत पूरे किए बग़ैर आपको चैन नहीं मिलता। और आप किसी का बोझ उठाने, किसी को बोझ उठाता देखें, आप जब तक उसका बोझ ना हल्का कर दें आपको सुकून नहीं मिलता। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप में इतनी सिफात हैं, रब्बुल आलमीन ऐसी सिफात वाले इंसान को कभी ज़ाया नहीं कर सकता। मैं खदीजा कहती हूँ, शबाब और जवानी को देखा, मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि रब्बुल आलमीन आपको ज़ाया नहीं करेगा। सबसे मुश्किल काम है बीवी की हिमायत हासिल करना आज के दौर में। वो मर्द कामयाब है जिसकी बीवी उसकी हिमायत याफ्ता है और उसको बताती है कि नहीं भाई, ये मेरा मर्द सुबह शाम इसके मेरे सामने है, ये ईमानदार भी है, ये दयानतदार भी है, ये मेहमान नवाज भी है, और ये बोझ उठाने वाला भी है, ये ज़रूरियात को पूरा करने वाला भी है। ये सबसे ऐनी गवाह, शाहिद गवाह बीवी इंसान की होती है। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा ने फरमाया, आप तो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरे करने वाले हैं, आपको खालिक कायनात कैसे ज़ाया कर सकता है। तो जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया, गम का साल, कि ये मेरे लिए गम का साल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा फरमाती हैं, मुझे कायनात की औरतों में किसी पर रश्क नहीं आता था, सिर्फ जनाब खदीजा पर रश्क आता था कि अल्लाह के नबी उतनी तारीफ़ें उतनी करते थे उनकी, कि जब भी कोई बात होती तो कहते मेरी खदीजा ऐसे थी, मेरी खदीजा ऐसे थी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हालांकि मैंने हजरत खदीजा को देखा नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया में रश्क अगर किसी पर आता था तो हजरत खदीजा पर रश्क आता था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई जानवर कुर्बान करते, वफात के बाद हजरत खदीजा की सहेलियों को उनका हिस्सा पहुंचाते, इतनी मोहब्बत करते थे कि वफात के बाद उनकी सहेलियों तक अपने किए हुए जानवर के गोश्त का हिस्सा उन तक पहुंचाया करते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सब कह दीजिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अम्मा आयशा एक मौके पर फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक खदीजा को याद करते हैं। आपने फरमाया, अन्नहा कानत वकानत वकान ली मिन्हा वलद,
ऐशा मैं अपनी खतीजा को क्यों ना याद करूं, मैं उसको क्यों ना याद करूं कि मेरी सारी औलाद जनाब खतीजा से पैदा हुई। एक बेटा मारिया किबतिया से हज़रत इब्राहीम पैदा हुए जो बाद में वफात पा गए, बाकी औलाद मेरी सारी खतीजा से पैदा हुई। अगर फ़ातिमा सैयदतुन्निसाई अहलिल जन्ना है तो माँ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अगर हसन व हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है तो नानी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। क्या मकाम मिला है हज़रत खतीजा की बेटी सैयदतुन्निसाई अहलिल जन्ना, औरतों की जन्नत में सरदार होगी हज़रत बीबी खतीजा की बेटी। और जो नवासे और जो हज़रत हसन व हुसैन जो नानी लगती थी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो नौजवानों के सरदार होंगे जन्नत में।